हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज और एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं राष्ट्रपति भवन जा रही हूँ, जिसके बारे में आज तक मैंने सिर्फ टीवी पे देखा होगा और शायद मैंने सुना है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा टीवी न्यूज़ चैनल्स नहीं देखती हूँ। पर फिर भी मुझे ये सब फैसिनेटिंग चीज़ें और हिस्टोरिकल चीज़ें देखने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। मैं अभी आपको एक बात बता दूँ कि मैंने यहाँ जाने से पहले इतनी ज़्यादा स्टडी की है ताकि मैं ना कुछ भी मिस ना करूं। पर इसके बाद भी हमें वहाँ पर जो गाइडर मिलने वाले हैं, जो हमें सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं, 1 घंटा हमें पूरा विजिट करवाने वाले हैं, मुझे लगता है कि वो लोग भी मुझे इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे जितना मैंने आई थिंक स्टडी किया है इसके बारे में। क्योंकि यहाँ पर 340 बड़े कमरे हैं जिसको अगर मैं घूमना चाहूँ तो मुझे एक दिन से भी ज़्यादा का वक्त चाहिए। खैर, मैं आपको एक सबसे फ़नी बात बताती हूँ। अगर आप गूगल से एक सवाल पूछोगे कि सबसे महंगा घर कौन सा है, तो गूगल 1 सेकंड से भी कम समय लगाते हुए आपको भारत के मुंबई में बसे हुए अंटीला का नाम प्रस्तुत कर देगा। पर दरअसल गूगल का यह जवाब दिया हुआ पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि गूगल ने यह जो जवाब दिया है वह किसी इंसान के निवास स्थान को दर्शाता है। पर अगर निवास स्थान की बात की जाए तो किसी पर्टिकुलरली व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि रेसिडेंस के तौर पर भारत के दिल्ली में बसे हुए प्रेसिडेंट हाउस दुनिया का सबसे महंगा निवास स्थान है। आज के समय में मुकेश अंबानी के घर की कीमत चाहे कितनी भी ज्यादा हो, कितने भी हजारों करोड़ों की हो, लेकिन दिल्ली में 330 एकड़ में भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण स्थान की जमीनी कीमत 26,000 करोड़ रुपए है, और उस जमीन पर बसे आलिशान भवन की कीमत तो आप लगा ही नहीं सकते हो। क्योंकि अगर मैं इंटीरियर को इंक्लूड करूं और वहां की सारी महंगी कीमती चीजों को इंक्लूड करूं तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि भारत के राष्ट्रपति भवन की कीमत अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस से भी 14 गुना ज्यादा है। मतलब भारत का राष्ट्रपति भवन दिल्ली के बीचों बीच के केंद्र में बसा हुआ एक अलग ही नगर है गाइस, जिसकी खुद की हॉस्पिटल है, खुद का बैंक पोस्ट, टेनिस कोर्ट, गोल्फ कोर्ट, ट्विटर, लॉन्ड्री एंड आइस फैक्ट्री जैसी सारी जरूरत की चीजें XYZ वहां पर है, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल ऑल्सो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको यहाँ पे घूमना है तो आपको एक दिन से भी ज्यादा का समय चाहिए इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जैसे कि मैं एंटर हो रही हूँ और सामने आप एक स्तंभ देख सकते हैं, वो जयपुर कॉलम है। ये मॉन्यूमेंटल कॉलम है जो कि एकदम बीचों बीच है कोर्टयार्ड के और राष्ट्रपति भवन के जस्ट सामने है। ये जो स्तंभ के ऊपर आपको एक नजर आ रहा है स्टार, जो कि 6 पॉइंट में जो स्टार्स है वो लोटस को दर्शाता है। इस महाकाय बिल्डिंग के निर्माण के कुछ समय पहले भारत के 14वें राष्ट्रपति 5 साल के लिए रहने गए हैं, जो 340 में से महज 5 कमरे ही खुद के लिए उपयोग में लेने वाले हैं और बाकी के कमरों का कोई खास उपयोग नहीं होने वाला है। देश के पहले नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति भवन का यह रुतबा तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन अगर आपके मन में भी अगर यही प्रश्न उठ रहा है कि इतने विराट कद के भवन को बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी, तो इसका जवाब वर्तमान में नहीं मिलेगा, भूतकाल में मिलेगा। और भूतकाल यह है कि अंग्रेजों के समय में भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज भारत की राजधानी कहीं मध्य में स्थित करना चाहते थे जिससे संचालन ईजी हो सके। उस स्थान के लिए दिल्ली को चुना गया क्योंकि दिल्ली उस समय मध्य में था और दिल्ली अभी भी मध्य में ही है। उस वक्त कोलकाता में भारत के सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते थे, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक महत्व दिल्ली जितना नहीं था, इसलिए दिल्ली को अंग्रेजों की नई राजधानी के लिए चुना। अंग्रेज चाहते थे कि पुरानी दिल्ली को भारत की राजधानी बना सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों को अपने लिए सेकेंड हैंड राजधानी मंजूर नहीं थी, इसलिए वो अलग से आलिशान कैपिटल बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया। और उसके निर्माण के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड के सबसे मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को दिया गया। उन्होंने कई तरह के पत्थरों का निरीक्षण किया, गर्मी ठंडी के मौसम में हर उस बदलाव को देखकर चुनिंदा पत्थरों को राष्ट्रपति भवन के लिए नियुक्त किया और 5,000 से भी ज्यादा लोगों को भवन के निर्माण के कार्यों में लगा दिया गया। और आपको पता है 3,000 लोगों को तो सिर्फ पत्थर काटने के लिए रखा गया था। खैर, राष्ट्रपति भवन के निर्माण कार्य के शुरू होने के 1.5 साल बाद ही 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1918 तक जब ये विश्व युद्ध चलता रहा तब भवन के कार्य को रोकना पड़ा, लेकिन जैसे विश्व युद्ध खत्म हुआ तो भवन के कार्य को फिर से दोबारा शुरू किया गया। निर्माण की कार्यवाही बहुत लंबे समय तक चली। कुल मिलाकर 17 साल बाद 1929 में राष्ट्रपति भवन बनकर समाप्त हो चुका था। 1931 को राष्ट्रपति भवन का ओपनिंग डे रखा गया, जहाँ पर बड़ा भव्य आयोजन हुआ। देश विदेश से काफी मेहमानों को बुलाया गया। वायसराय ने यहाँ एक बड़ी महफिल सजाई थी।
लेकिन 16 साल बाद इस इमारत को स्वतंत्र भारत को हमेशा के लिए सौंपने का दिन आया। 47 आजादी से पहले भवन का नाम वॉइस राय हाउस था, आजादी के बाद गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। यहाँ पर आज भी हमारे राष्ट्रपति उन कमरों में नहीं रहते जहां पर वॉइस राय रहा करते थे, बल्कि उस कमरे में रहते हैं जो कमरे मेहमानों के लिए उपलब्ध कराए गए थे। आजादी के लगभग 3 साल बाद भवन का नाम बदलकर हमेशा के लिए राष्ट्रपति भवन कर दिया गया, जिसे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 के दिन रहने के लिए गए। और इतने बड़े भवन की ठाट को देखकर उस सिंपल राष्ट्रपति को आश्चर्य हुआ। आज इस महासुख की अनुभूति विदेश से हमारे देश आए हुए VVIP मेहमानों को मिल रही है, जिनका स्वागत राष्ट्रपति भवन में आलिशान महल में किया जाता है। आज राष्ट्रपति भवन में 750 लोग से ज्यादा लोग काम करते हैं। हमारे राष्ट्रपति भवन संग्रहालय की बहुत सारी चीजें यहाँ पर रखी गई है, बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं हैं, साथ ही साथ आज भारत की धरोहर है। लेकिन इस मर्म में हर शनिवार की सुबह 10 बजे यहाँ चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित किया जाता है, जो आम जनताओं के लिए हमेशा खुला होता है। तो अगर आपको यहाँ पर आना है तो प्लीज अपनी एंट्री पहले कर लीजिएगा, गूगल पे जाइएगा, ऑनलाइन एंट्री फॉर्म से फिल कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मैं इसके इतिहास को एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो गाइज इट विल टेक मी मोर देन एन आवर और मोर देन अ डे। अगर आपको पसंद आती है ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप दिल्ली जाते हैं तो प्लीज़ राष्ट्रपति भवन देखना मत भूलना। सो डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।